प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज जीवन जल कार्यक्रम में फिर एक बार आपका बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल लेकर हम भजन संहिता 119 और उसका 54 पद लेकर एक महत्व के विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, जिसमें यह आज का चौथा संदेश रहेगा, सुखी रहने का सीधा रास्ता। सुखी रहने का सीधा रास्ता, भजनकार के जीवन से उन्होंने कहा हुआ उस पद को लेकर हम अध्ययन करते हैं। भजन संहिता 119 उसका 54, जहां लिखा है, जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं वहां तेरी विधिया मेरे गीत गाने का विषय बनी है। Thy statutes have been my song in the house of my pilgrimage। भजनकार के जीवन में यह सुखी रहने का जो अनुभव था, उसका वर्णन, उसका निमित्त, उसका जीवन हम तीन दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। एक, भजनकार के जीवन का भेद जानकर। दो, भजनकार के जीवन में भरोसे का विषय को जानकर। तीन, भजनकार की भक्ति का भेद समझकर। यदि इन तीन बातों की ओर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हमने देखा उनके जीवन का भेद, उस भेद का कारण, उसका स्थान के द्वारा और इस भजन में से जो सीख हमें मिलती है उससे हमने देखा। दूसरी बात, भजनकार का भरोसा हमने देखा। वो भरोसा इसलिए क्योंकि यहोवा की व्यवस्था, जो तीन बार पवित्र शास्त्र में सारे भजन में उल्लेख किया गया, ऐसा वाक् प्रचार लेकर हमने देखा कि तीन प्रकार के संसार में, दुनिया में जो आप और मैं अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य या शक्ति क्या है। भजन संहिता 1 में हमने पढ़ा, वहाँ पर परमेश्वर के वचन की अलग करने की शक्ति को हम देखते हैं। भजन संहिता 19 में हमने पढ़ा, वहाँ पर परमेश्वर के वचन की उजियाला करने की शक्ति को हम देखते हैं। और तीसरी बार जब यहाँ भजन 119 और उसके पहले पद में देखा, तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की, वचन की शुद्ध करने की शक्ति को हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र की तीन प्रकार की शक्ति, एक अलग करने की शक्ति, दो उजियाला लाने की शक्ति, तीन शुद्ध करने की शक्ति। मेरे प्रियो, इसलिए ना केवल भजनकार के भरोसे का कारण जो हम इसमें देखते हैं, बल्कि इसका जो साधन है, मतलब जो परमेश्वर का वचन है,
क्यों इतना भरोसेमंद करते हुए उसके ऊपर अपना पूरा निर्भर होते हुए अपने जीवित यात्रा में ये वचन उनके जीवन में सुख का अनुभव लाने का कैसे हो गया, आपके मेरे जीवन में कैसे हो सकता है, इसकी ओर मैं फिर एक बार आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। मेरा एक ही प्रार्थना परमेश्वर की ओर है ताकि इन वचनों का अध्ययन करते हुए आपके मेरे जीवन में ये पवित्र शास्त्र की अंदरूनी बातें, महत्व की बातें आपके मेरे जीवन में आनंद और सुख ला सके। आइए हम आगे बढ़ते हुए इस विषय की ओर देखते हैं कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो भजनकार के भरोसे का एक साधन बन चुका था, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र में हम 10 रूपकों को पढ़ते हैं। एक तरफ आप पवित्र शास्त्र बाइबल रखे और इन 10 रूपकों का या चिन्हों का या ये जो उसके संदर्भ में जो वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है, इसकी ओर जब हम विचार करते हैं, वचन का रूपक, वचन का लक्षण, वचन के बारे में जो अन्योक्ति करके दिया हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करते हुए 10 प्रकार के रूपकों का अध्ययन करना चाहते हैं। आज इस वक्त हम पहले बार पहले उस रूपक की ओर ध्यान देना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल। यदि आप मेरे साथ इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ते हैं, द 10 मेटाफर्स गिवन टू द वर्ड ऑफ गॉड एनलाइटन्स अस टू नो द डीपर वर्क ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ एंड माय लाइफ, द फर्स्ट ऑफ विच वी फाइंड इन हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 12। इब्रानियों का किताब 4 अध्याय और 12 पद, पवित्र शास्त्र का पहला रूपक, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। 13 पद में लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। सबसे पहला रूपक, द फर्स्ट मेटाफर दैट रिमाइंड्स अस दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ स्वॉर्ड दैट पियर्सेस। पवित्र शास्त्र बाइबल एक दोधारी तलवार सा जो छेदता है। क्यों ये दोधारी तलवार की उपमा पवित्र शास्त्र बाइबल को दी होगी, उसका वर्णन हमने यहां पर पढ़ा, क्योंकि ये बाइबल जब हम खोलते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक दोधारी तलवार सा ये छेदने का काम करता है। इसका मतलब क्या, यदि आपने ध्यान से सुना होगा जब इस वचन को हमने पढ़ा, तो वहां पर मनुष्य जो 3 भाग में बना हुआ है, 1 हमारा शरीर, 2 हमारा प्राण, 3 हमारी आत्मा। और शरीर, प्राण और आत्मा, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, द थ्री पार्टेड बीइंग ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। पवित्र शास्त्र बाइबल इन तीनों के विषय में क्या काम करता है, एक दोधारी तलवार के समान छेदने का काम करता है। इसका मतलब क्या, यह बाइबल इसलिए मेरा भरोसे का स्थान है क्योंकि केवल बाइबल मैं अपने आप में कौन हूं यह समझने के लिए मेरी मदद और सहायता करता है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, सबसे पहली बात, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा, देखिएगा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7 पद पढ़ता हूं, लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। जब मनुष्य को परमेश्वर ने सिरजा, उसको इन 3 बातों में, 3 विभाग में या इन 3 चीजों से बना हुआ हम देखते हैं, 1 शरीर, 2 प्राण, 3 आत्मा। लेकिन जब मनुष्य में
परमेश्वर की अवज्ञा करने का मन और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का काम हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने कहे हुए वचन के अनुसार तो इस पेड़ का फल मत खाना, यदि तू खाएगा तो तू निश्चित मर जाएगा। उत्पत्ति 2:15 में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को अनसुना किया और अपने मन के विचार के अनुसार उस फल को खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया। हम देखते हैं शरीर में तो वो तुरंत नहीं मारे गए, लेकिन मृत्यु का प्रवेश उनके अंदर निश्चित हो चुका, लेकिन आत्मा में मतलब परमेश्वर के साथ के संगति में वो मर गए। वो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था वो टूट गया। अब जब हम तीन इन बातों का बोलते हैं, एक शरीर जिसके कारण हम एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, प्राण जिसके कारण हम अपने आप से संपर्क रखते हैं, तीन आत्मा जिसके कारण हम परमेश्वर के साथ संपर्क रखते हैं। देखिएगा, शरीर में पाप किया इसलिए प्राण या अपने मन की इच्छा के अनुसार किया, मर गया, आत्मा बूझ गया, आत्मा दबोचा गया और परमेश्वर के साथ का मनुष्य का रिश्ता टूट गया। अब ये जो परमेश्वर के साथ में जो पाप में गिरने का अनुभव मनुष्य के जीवन में आने के कारण टूटे हुए संबंध को दूसरा कोई जोड़ नहीं सकता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल वचन का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार, इस जीवन जल के कार्यक्रम के द्वारा, शुभ संदेश चैनल के द्वारा बाइबल को पढ़ा जाना, सुनाया जाना, प्रचार करना, समझाना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह दुधारी तलवार सा है जो छेदता है। दूसरे ऐसी कोई चीज इस संसार में नहीं है जो इस प्रकार का काम यहां पर कर सकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो मनुष्य को बनाया, लेकिन पाप ने मनुष्य को बिगड़वा दिया। जो मनुष्य के अंदर इस प्रकार का पाप का काम हो, उसके जीवन में उससे छुटने का, उससे बाहर निकलने का, उसको समझने का अनुभव दूसरे किसी चीज से नहीं आ सकता, सिवाय इस सुसमाचार के, सिवाय इस परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा। इसलिए तो इस बाइबल को लेकर टूटे फूटे लफ्ज में, टूटी फूटी भाषा में, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन होने के कारण ये लफ्ज टूटे फूटे क्यों न हो, ये विचार कमजोर क्यों न हो, लेकिन ये बाइबल दुधारी तलवार होने के कारण ये मनुष्य के जीवन में, आपके मेरे हरेक के जीवन में क्या काम करती है? एक अलग करने का काम करती है। कैसे? शरीर को प्राण से, प्राण को आत्मा से, जो परमेश्वर ने जब सिरजाया था उसी हालात में लाकर छोड़ता है। कौन? परमेश्वर का वचन। जब मनुष्य इस प्रकार से शरीर को प्राण से, प्राण को आत्मा से अलग किए हुए अनुभव में वचन के सुनने और प्रचार के द्वारा होता है, तब मनुष्य आप ही आप में आता है, तब वो होश में आता है, तब वो समझने लगता है कि वो कौन है और क्या गलती की है। उसको अपने पाप की, गलती की जानकारी उसी वक्त हो सकती है जब ये वचन का दुधारी तलवार सा काम, छेदने का, वार पार अलग अलग करने का होता है। तब क्यों? क्योंकि जब पाप ने मनुष्य को बिगड़ दिया, जानते हैं क्या, इन तीनों को, शरीर प्राण और आत्मा को एक दूसरे के साथ इस प्रकार से घुलमिल कर दिया ताकि आत्मा दबोचा जाए, जो परमेश्वर की बातें समझता और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहता है वो तो दबोचा है, वो तो बूझ गया है। इसलिए मैं स्वयं अपना प्राण, जो अपनी मन की इच्छा और अभिलाषा मेरे शरीर के अवयवों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर काबू करते हुए, जो मैं देखना नहीं वो मैं देखने के लिए मजबूर किया जाता हूँ, जो मैं सोचना नहीं सोचने के लिए मजबूर किया जाता हूँ, जो करना नहीं, जो देखना नहीं, जो खाना नहीं, जो पीना नहीं, जहाँ जाना नहीं, ऐसे सारी चीज़ों के ऊपर मन की अभिलाषा के अनुसार मनुष्य अपना जीवन बिताते हुए आगे बढ़ता है। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या काम करता है। जिस अवस्था में मनुष्य था उसी अवस्था में लाकर छोड़ता है ताकि हम आत्मा के स्पर्श के कारण, अलग होने के कारण अपने आप में आ सके, होश में आ सके, अपने गुनाह को समझ सके, अपने पाप को समझ सके। इसलिए बिना सुसमाचार प्रचार किए द्वारा
किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। हमें पापों की क्षमा यदि मिलनी है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता फिर से एक बार जुड़ना है और आत्मा में हमें यदि जीवित होना है, मेरे प्रियो इस वचन को सुनकर वचन का दुधारी तलवार का काम अलग होने के द्वारा जब आपके मेरे जीवन में होता है, सुनिएगा, तब परमेश्वर का आत्मा मेरे आत्मा को स्पर्श करते हुए मुझे जिलाता है, उठाता है और जीवित करता है। परमेश्वर के प्रति फिर एक बार मेरा रिश्ता नाता जुड़ता है। कैसे? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम, चाहे आप दाऊद का उदाहरण ले, भजन संहिता 51 के 5 में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का दास वहाँ पर जाकर वचन के द्वारा उसके अपने गंभीर पाप, जो व्यभिचार का पाप, खून का पाप करते हुए उसको ढांपने की कोशिश में लगा हुआ था, परमेश्वर का दास नाथान ने जाकर परमेश्वर का वचन उसको सुनाया, वो अपने आप में आया, वचन दुधारी तलवार का काम करने के बाद उसने अपने गलतियों को मान लिया, अपने पाप को मान लिया और क्या कहता है, मैं तो जन्म से ही पापी हूँ, जब से मेरे माँ के कोख में मैं था तब से मैं पापी हूँ। जो व्यक्ति इस वचन को सुनकर अपने आप में आता है वो सबसे पहले ये बात कहता है, क्या मैं पापी हूँ? नहीं तो आज कौन अंगीकार करेगा, कौन इस बात को स्वीकार करेगा? मेरे प्रियो, हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप पापी है, लेकिन वो व्यक्ति अपने पाप की जानकारी में तब आता है जब वचन का दुधारी तलवार का काम उसके जीवन में किया जाता है। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 8वें पद में आप पढ़िएगा, पत्रस ने जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई और उनके अनोखे काम को देखा, अपने आपे में आया और क्या कहता है, हे प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूँ। आप लूका के 15वें अध्याय में पढ़िएगा उड़ाव पुत्र के बारे में, जब परमेश्वर के द्वारा इस अपने गुनाह के कारण जब पिता के घर से अलग किया गया था और पिता के घर की याद आई, वहाँ के दासों की याद आई, सारी सुविधाओं की, सारी अच्छी बातों की याद आई, तब क्या कहता है, मैं अपने बाप के घर जाऊँगा, पिता से कहूँगा मैंने स्वर्ग के विरोध में, आपके विरोध में पाप किया है। बिल्कुल वही करने के लिए वापस लौटा, अपने आप में आया। प्रेरित पौलुस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, 1 तिमोथी 1वां अध्याय 15वां पद, वहां पर स्वयं के पाप के बारे में, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। यीशु मसीह इस संसार में आने का एक ही मकसद है मेरे प्रियो, ताकि हम जैसे नाचीज इंसान, पाप में पड़े हुए इंसान, अपने आपे में आए और ये परमेश्वर के दुधारी तलवार का काम क्या करता है मालूम है, एक हमारे पाप की जानकारी हमें करवा देता है, brings us to the conviction of our sin, और दूसरी बात हमें उद्धार करता कि हमारे लिए कितना आवश्यक है उसकी अत्यावश्यकता को हमारे सामने बताता है। ये परमेश्वर का वचन, ये अनोखा काम एक व्यक्ति के जीवन में करते हुए हम पाते हैं मेरे प्रियो, नहीं तो इसके अलावा हमारे जीवन में कोई मार्ग नहीं, ये दुधारी तलवार है। देखिएगा पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने पूछा, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 30वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं, सबसे पहली आज्ञा यह है, तू अपने परमेश्वर के ऊपर अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे बुद्धि से और अपने पूरे सारी शक्ति से तू उस पर प्रेम करना। अब आप देखेगा जिन 4 बातों का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के प्रति करने के लिए कहा, ये कब हो सकता है? जब तक परमेश्वर ये उद्धार का काम आपके मेरे जीवन में ना कर दे, तब तक हम उस परमेश्वर के ऊपर अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे बुद्धि से, अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे हृदय से प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए इस उद्धार की आवश्यकता, यीशु मसीह ने किए हुए काम की जानकारी हमें उसी वक्त हो मिल सकती है जब यह दुधारी तलवार सा जो वचन हमारे भीतर छेद कर अलग कर देता है मेरे प्रियो। इसलिए वचन को सबसे पहली बार यह उपमा दी हुई हम पढ़ते हैं, यह दुधारी तलवार सा है जो छेदता है, मतलब हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे अपने आप को, जैसे हम थे वैसे
हमारे सामने खुलकर बताता है, मतलब जैसे परमेश्वर हमें देखता है वैसे हमें देखने के लिए हमारे सामने लाकर छोड़ता है। क्या परमेश्वर का वचन ये बेपर्दा कर देता है, ये हमारे सामने हर बात को खुला कर देता है ताकि हम अपने गुनाह को मान ले, यीशु मसीह ने किए हुए अनोखे उद्धार के काम को समझ ले और अपने पाप को मानकर मन फिराकर यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करे। वचन सबसे पहला काम क्या करता है? दुधारी तलवार सा जो हमें छेदता है। आज ये वचन सुनकर यदि प्रभु आपके मन को छेद रहा है तो दूर नहीं जाना, अपने पाप को मान लेना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, मन फिराकर यीशु को मेरा प्रभु मेरा मुक्तिदाता करके अंगीकार करना, इसी वक्त उद्धार आपका है। जिस अवस्था में आदम ने परमेश्वर के आशीष को खो दिया, इस अवस्था में वचन का दुधारी तलवार सा काम, छेदने का काम, अलग करने का काम सुनकर अपने पाप को मानकर यीशु मसीह पर भरोसा करने के द्वारा क्या होगा? उद्धार। परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता और नाता हमेशा के लिए जुड़ा जाना। प्रभु ये समझने के लिए आपकी सहायता करे और इसी वक्त आप यीशु मसीह को अपना जीवन देकर अपने जीवन में जैसे भजनकार का अनुभव वैसा होने के लिए प्रभु आपकी भी सहायता करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आइए हमारे सिरों को झुकाए और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं भजनकार के जीवन के द्वारा। परमेश्वर का वचन, उसकी सारी गहराई, उसकी मिठास को आपने हमारे सामने रखा है, जो दुधारी तलवार सा है, जो छेदता है। होने दे प्रभु, ये छेदने का काम आज हमारे हर एक दर्शक के जीवन का अनुभव हो सके, ताकि अपने पाप को मानकर यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार कर सके और आपकी आशीष हमारे हर एक के जीवन का अनुभव हो सके। हमारे सारे दर्शकों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। YouTube एड्रेस jeevanchaltv@youtube.com। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और हर बुधवार संध्या 6:30 और हर शनिवार रात 9:00 इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।